कृष्ण मोहन एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा बैटरी का जो कॉर्नर होता है उसको हम कट करके रख लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको ब्लेड या कुछ जिससे हो आप कट करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉर्नर मैंने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर को कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको कटर होगा या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट होगा उससे आप कट कर सकते हैं या आरी फ्रेम से भी कट कर सकते हैं। और हम मैंने कटर बनाया, मैं कटर से कट कर लूँगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। फ्रेंड्स आप जब बैटरी को कट करेंगे तो आपको दो प्लस का आइकन होता है, इसको कट करके रख लेंगे, हटा देंगे तो उसमें दो पतला सा वायर निकला रहेगा, उसमें सोल्डरिंग नहीं होता है। तो आप आराम से इसमें वायर को कनेक्ट करके बाहर निकाल लीजिए। फ्रेंड्स देख सकते हैं, हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ख़राब बैटरी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये खराब बैटरी है, ये मैंने भी रिपेयर किया। देख सकते हैं इसको चार्जिंग का ज़रूरत है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास, आपके पास अगर कटर ना हो, प्लास स्क्रू ड्राइवर हथौड़े और कटर का सहायता से आप कट कर सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स मेरे पास कटर है तो उसी से हम रिपेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने आपको बोला था कि कट करके रखेंगे तो आपको ऐसा आइकॉन मिलेगा देखने के लिए। देख सकते हैं मैंने वायर निकाल लिया है और हॉट ग्लू के स्टिक से मैं इसको आराम से माचिस से गर्म करके मैं इसका होल को ऑफ कर दिया हूँ। आप नहीं समझे होंगे तो हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। देख सकते हैं ये तो ठीक हो चुका है, हम आपको इसका पहले टेस्टिंग करवा देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये मोटर अच्छे से रनिंग कर रहा है, मोटर रनिंग हो रहा है। तो चलिए हम आपको इसका वायरिंग करवा देते हैं। तो आपको पतला सा एक वायर ले लेना है, इसमें कनेक्ट कर देना है क्योंकि सोल्डरिंग तो नहीं हो पाता है। आप आराम से एक वायर निकालें तो अंदर का वायर टूट जाएगा तो हमारा बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। बैटरी का बैटरी कभी भी वर्किंग कंडीशन में नहीं आ पाएगा। मैंने वायर कनेक्ट कर लिया है और हॉट ग्लू से स्टिक को आप पिछले भी वायर में बताया था, हॉट ग्लू को क्लियर स्टिक से आपको कनेक्ट कर देना है। तो हम आपको मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक कर देते हैं। देख सकते हैं हमारा 3.88 वोल्टेज मिल रहा है हमको। इसी तरह आप और बैटरी रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने अभी 3 बैटरी रिपेयर की है, आप देख सकते हैं हम आपको इसका वोल्टेज चेक कर देते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं सबका 3 वोल्ट कुछ कुछ बता रहा है। तो फ्रेंड्स हम आपको LED एक जला कर दिखा देते हैं जो बैटरी हमारा सही से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा सभी बैटरी अच्छे से काम कर रहे हैं।